हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ट्राई एंड रिपीट। ये क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे डाउट आया है। ये क्वेश्चन है कैश बुक का, डबल कॉलम बनाना है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें ट्रांजैक्शंस गिवन है और लास्ट में उसे लिखा है कैश बुक विद अ कैश एंड बैंक कॉलम। तो आओ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कहूँगी कि अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे क्वेश्चन में भी कोई मिस्टेक लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। आइए अब ये क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला उसने कहा है बिजनेस स्टार्टेड विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 95,000। 95,000 के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और पॉश वन दिया हुआ है। तो जो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा एंट्री आती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिटेड है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो इसके सामने अमाउंट लिखेंगे हम 95,950,000। तो दिस इज योर POUSH पॉश वन। फिर उसके पास पॉश टू दिया हुआ है। ये एक्चुअली दूसरे नेपाल से क्वेश्चन है तो शायद उनकी कुछ लैंग्वेज ऐसी है तो मैं इसको डायरेक्ट डेट्स की तरह ही फॉलो कर रही हूँ। फिर उसके बाद है पॉश थ्री दिया है कैश बुक विद अ बैंक कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक रुपीज़ 60,000। अब कैश है, बैंक में डिपॉजिट करवाया है तो एंट्री क्या जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड। तो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। तो ये बैंक अकाउंट डेबिटेड हो गया टू कैश अकाउंट। तो ये दोनों एंट्रीज आपकी आ जाएगी थर्ड की, पॉश थ्री, ठीक है। और इनके अमाउंट कैसे लिखने हैं, 60,000 है, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट करवाया है 60,000 है, जहाँ बैंक लिखा है उसके सामने कैश के नीचे अमाउंट लिखोगे 60,000, और जहाँ कैश लिखा है उधर उसके बैंक के नीचे लिखोगे। और यहाँ पे ये सी मेंशन कर रही हूँ फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। फिर उसके बाद है पॉश सेवन, पेड बाय चेक रुपीज़ 15,000 फॉर कैश। अब ये जो सेवन्थ है उसमें उसने लिखा है पेड बाय चेक रुपीज़ 15,000 फॉर कैश। मे बी कुछ पेमेंट कैश में करनी थी, अब वो पे कर दी है चेक के थ्रू। सो ये जो एंट्री है ये यहाँ आएगी क्रेडिट साइड पे पॉश सेवन की, क्योंकि हमने पेमेंट करी है, ठीक है। तो पर यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं है सो मैं यहाँ बाय पेमेंट लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये या बाय कैश आ सकता है बट ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बन सकती है। सो इसमें बाय पेमेंट है। अगर आपको कुछ इसके लिए स्पेसिफिक लगता है तो आप कुछ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, बट ये है कि जो पेमेंट है वो हमने पे करा है चेक के थ्रू। तो यहाँ पे मेरा 15,000 बैंक के नीचे आएगा। देन पॉश नाइन इज इशूड चेक फॉर एडवर्टीजमेंट रुपीज़ 5,000। तो इशू करा है चेक तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट। दिस इज एंट्री फॉर नाइन। और यहाँ पे अमाउंट है चेक के थ्रू पे किया है 5,000, तो बैंक के नीचे लिख रही हूँ 5,000। देन कैश पेड इन टू बैंक, कैश बैंक में गया है तो बैंक में पैसे गए हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कैश में से निकलकर बैंक में गए हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो सी कॉन्ट्रा एंट्री एंड दिस डेट इज 10, पॉश 10। और अमाउंट है 2,000, मैंने आपको पहले भी बताया अगर कैश है तो बैंक के ऑपोजिट लिखोगे और अगर बैंक है तो कैश के ऑपोजिट लिखोगे 2,000। देन परचेज ऑफिस फर्नीचर रुपीज 20,000 एंड पेड कैश 12,000 एंड बैलेंस बाय चेक। तो हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज किया है तो हम क्या लिखेंगे, बाय ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, दिस इज फॉर 15, पॉश 15। अब इसमें उन्होंने कहा है कुछ पेमेंट कैश के थ्रू हुई है और बैलेंस हम चेक के थ्रू करेंगे। टोटल 20,000 का था, उसमें कैश हुई है 12,000, 12,000 है तो रिमेनिंग 8,000, 20 में से 12 गए तो 8,000 रह गया, तो 8,000 आपका बैंक के सामने आ जाएगा। फिर है ड्रॉ फ्रॉम बैंक
फॉर ऑफिस यूज़ 5,000 एंड डोमेस्टिक यूज़ 2,000. जो पहले पहले ऑफिस यूज़ के लिए कर रही हूँ, जो ऑफिस यूज़ के लिए होगा वो आएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. तो यहाँ पे मैं लिखूँगी बाय कैश अकाउंट टू बैंक, क्योंकि पैसे आए हैं कैश की फॉर्म में रहे, बैंक से निकलवाए हैं ऑफिस यूज़ के लिए. ठीक है, तो ये दोनों एंट्री आपकी 20th एंड 20th के लिए है, पॉश 20 एंड पॉश 20. अब इनके अमाउंट्स कैसे आएंगे, इसका 5,000 है सो बैंक के हैं लिखा है तो कैश के सामने अमाउंट लिखूंगी, और यहाँ पे कैश है तो बैंक के सामने 5,000 लिखूंगी. उसके बाद है डोमेस्टिक यूज़ के लिए 2,000 थे, तो ये तुम्हारी ड्राइंग्स हैं, तो यहाँ पे तुम ड्राइंग्स मेंशन करोगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट, दिस इज ऑल्सो फॉर 20th, और ये अमाउंट है 2,000. ठीक है, ये 2,000 बैंक से निकलवाए हैं तो 2,000 बैंक के नीचे आएगा. नेक्स्ट इज रिसीव कैश फ्रॉम विराज एंड अलाउ हिम डिस्काउंट ऑफ 200. तुमने पैसे उससे रिसीव किए हैं तो कैश अकाउंट डेबिटेड हुआ होगा, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू विराज. ठीक है, और ये एंट्री है 21st की, डिस्काउंट को ट्रीट नहीं करेंगे. ठीक है, सिर्फ उसका जो पैसे आए हैं सिर्फ उसको करेंगे, और उसको कैश की फॉर्म में आया है तो हम कैश के नीचे लिखेंगे 1800. लास्ट है रिसीव फ्रॉम कैश सेल्स कैश 7,000 एंड चेक 13,000. तो हमें सेल हुई है उससे हमने ये पैसे रिसीव किए हैं, तो जो सेल वाला अमाउंट होता है वो क्या होता है, हमने रिसीव किए कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. ठीक है, और दिस इज़ फॉर 28. ठीक है, और हमने कैसे कैसे अमाउंट रिसीव किया है, 7,000 इन कैश एंड 13,000 फ्रॉम बैंक. सो ये हमारा फुल फ्लेज एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं. अब हम इसको बैलेंस करेंगे. तो सबसे पहले कैश वाले को करते हैं, 95,000 प्लस 5,000 प्लस 1,800 प्लस 7,000, तो ये आपके पास आता है टोटल 108,800. इसमें माइनस करते हैं 60,000 माइनस 2,000 माइनस 12,000, तो आपके पास आता है 348,000. और ऐसे ही बैंक में करते हैं 60,000 प्लस 2,000 प्लस 13,000, आपके पास आता है 75,000. और यहाँ पे इनको करते हैं माइनस 15,000 माइनस 5,000 माइनस 8,000 माइनस 5,000 माइनस 2,000, तो आपके पास आता है 40,000. और दिस इज योर बाय बैलेंस कैरेट, आई विल अज्यूम लास्ट डेट विल बी 30. सो ये 108,800 एंड 75,000. तो दिस विल बी योर फुल फ्लेज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप ये आपको क्लियर है, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू.